हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक साल के बच्चे की कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले अपने फैब्रिक को यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 मीटर से कम ये फैब्रिक लिया है, 1 मीटर से कम है यहाँ पर जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले अपने कपड़े को यहाँ पर सार कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जो मैं कपड़े की विड्थ है वो है 15 इंच। एक इन दोनों साइड मार्जिन के लिए लेकर हम यहाँ पर ले रहे हैं 15 इंच, 13 इंच यहाँ पर फिटिंग है, तो एक की दोनों तरफ मार्जिन के लिए हो गया। और इसके बाद लेंथ के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे 20 इंच पर। इस तरीके से यहाँ पर 20 इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों निशान को मिलाकर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 20 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। इसके बाद हम अपनी फैब्रिक की कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी फैब्रिक की कटिंग कर ली है। हमने 2 फोल्ड करके रखा था, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 फोल्ड। तो इस तरीके से इसको 4 फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया। इसके बाद तीरे के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर तीरा लेना है यहाँ पर 4.5 इंच और आर्मोल की लेंथ भी यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से दोनों ही निशान को मिला लेंगे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग के लिए लगाएंगे 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे 9.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम हिप की फिटिंग के लिए, तो यहाँ पर है 6.5 इंच। और इस तरीके से दोनों निशान को मिला लेना है। और साइड पे मार्जिन का फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक का हम यहाँ पर स्टिक से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद आर्म होल के लिए यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप का निशान लगाएंगे। और नीचे की साइड दामन के लिए यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप का निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप के लिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे, राउंड शेप का हल्का सा गोलाई देते हुए। हाफ इंच देंगे हम यहाँ पर तीरे पर इस तरीके से शोल्डर्स को डाउन। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तरीके से और इसके बाद अपने बैक पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ से जो जॉइंट है उसको कट कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस तरीके से वापस से फोल्ड करेंगे। और अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। अच्छे से इसको यहाँ पर बिछा लेना है। नेक की विड्थ यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1.7 इंच और लेंथ भी यहाँ पर ले रहे हैं 1.7 इंच। और इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देना है, बिल्कुल हल्का सा राउंड शेप देंगे यहाँ पर नेक पर। और नीचे की साइड यहाँ पर तावीज़ के लिए लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरीके से नीचे की साइड 7 इंच का निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। और नीचे की साइड जो 7 इंच तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से जो हमारा कुर्ते का फ्रंट पार्ट है उसके नेक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इसको रखेंगे साइड।
और अब हम बाकी के बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसको इस तरीके से टू फोल्ड करके रखना है और एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक फोर फोल्ड हो गया। आर्म होल्स के लिए लेंगे यहाँ पर 5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। ऊपर से 2 इंच का इस तरीके से करके हल्का सा राउंड शेप देना है और नीचे की साइड स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच, 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे स्लीव्स का जो 4 इंच पर लगा रही हूँ और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन का लेना है। दोनों निशान को मिलाकर यहाँ पर इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारे कुर्ते की और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। बेहद ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर कुर्ते की कटिंग करना बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।